और बात करेंगे महाराष्ट्र जिले के अकोला की, जहां पर पातूर तालुका की बिबरा गांव में बुधवार को अंतिम संस्कार के समय एक हैरान कर देने वाली घटना घटी। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि होमगार्ड में कार्यरत प्रशांत रामकृष्ण की चिखली में मौत हो गई थी, जिन्हें अंतिम संस्कार के लिए बिबरा गांव लाया गया था। जब उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तभी एक तांत्रिक ने रास्ते में आकर कहा कि मैं इसे जिंदा कर सकता हूं। इसके बाद शव को एक झोपड़ी में ले जाया गया और वहां पर तंत्र मंत्र के बाद प्रशांत जीवित हो उठा, जिसके बाद उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा हुए और कई लोगों का मानना है कि प्रशांत के भीतर देवी देवता प्रकट होते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यह सब पहले से ही प्रीप्लान है और कई लोग इसे अंधश्रद्धा से भी जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शाहिद इकबाल हमारे साथ में जुड़ गए हैं। शाहिद, क्या कुछ मामला है? जी, मैं आपको ये बता दूं कि परसों के दिन रात में पातूर के पास में विवरा गांव है, विवरा गांव में चांदनी पुलिस स्टेशन में कार्यरत प्रशांत की मौत की खबर आई कि उसकी चिखली ले जाते, चिखली में उपचार के समय उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसे अंतिम संस्कार के लिए विवरा गांव लाया गया। लेकिन बीच में जानकारी यह है कि बीच में उसे किसी को उसके पास आने नहीं दिया गया, उसके लाश के पास आने नहीं दिया गया और जब उसके अंतिम संस्कार के लिए उसे शमशान भूमि की ओर ले जाने लगे तो उस वक्त एक तांत्रिक वहां पर पहुंच गया और उसने कहा कि मैं इसे जिंदा कर सकता हूं। तो उसकी बात पे यकीन करते हुए उसे वहां से ले जाया गया एक झोपड़ी के पास में, एक झोपड़ी में, और वहां पर तंत्र मंत्र पढ़े गए और पूजा पाठ की गई और जिसके बाद वो प्रशांत उठकर बैठ गया। अब लोगों के पास इसके लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई जानकारियां इसमें आ रही है, कई अफवाहें चल रही है। लोगों का मानना है कि ये पहले से तांत्रिक और ये प्रशांत के घर वालों के बीच कुछ तो भी प्री प्लानिंग काम था जिसकी वजह से ये काम को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ कई लोग इसे अंधश्रद्धा से लेकर जोड़ रहे हैं कि ये अंधश्रद्धा का एक काम है जिस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों का मानना है कि शासन के अधिकारी इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, क्या तांत्रिक ने फेमस होने के लिए ये सारी घटना और ये सारी कूट रचना रची थी? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल, तांत्रिक ने अपने आप को फेमस प्रसिद्ध करने के लिए और लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, जानकारी तो ये भी है कि जब इसको जीवित किया गया ऐसा जब उठ के बैठा है तो उसके बाद लोगों ने, गांव के वालों का कहना है कि वहां पर उसे 2.5 लाख रुपया दिया गया, ये ऐसा वहां पर के लोगों का कहना है। लेकिन इसकी अभी पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई पा रही इस बात की। तो कहने का मतलब ये तांत्रिक यहाँ पर फेमस होने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए ये पूरा घिनौना काम किया, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही साथ अंधश्रद्धा निर्मूलन दस्ता भी वहां पर पहुंच गया है और अभी जो जानकारी, अभी जो अपडेट हमारे पास आ रही है, तो पुलिस ने फिलहाल में प्रशांत को, प्रशांत के पिता और उस तांत्रिक को अभी पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है, गाड़ी से पुलिस के हवालात ले जाया जा रहा है और वहां से उनसे गहन पूछताछ की जाएंगी। साथ ही साथ निर्मूलन दस्ता जो आपको वह है वो भी इस पूरे मामले में अंधश्रद्धा, वो शिकायत दर्ज करने की तैयारी कर रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि ये पूरा मामला एक अंधश्रद्धा से जुड़ा हुआ लग रहा है अभी तक। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए शाहिद आपका बहुत शुक्रिया। अकोला जिले के पातूर तालुका की बिबरा गांव में बुधवार को अंतिम संस्कार के समय एक हैरान कर देने वाली घटना घटी है। बता दें कि एक व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए उसे ले जाया जा रहा था, तभी तांत्रिक ने आकर बीच में उसे जीवित कर दिया। हालांकि कुछ लोग इस पूरी घटना को अंधश्रद्धा से जोड़ रहे हैं, हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है।